अभी तक हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत जितने भी मंचक मेहमान हैं, मैं सभी को हृदय से सादर प्रणाम करता हूं। ठीक मेहमानों के पीछे संस्थान में मौजूद इस सभागार के सर्व समाज के सभी रंग और मात्र शक्तियों को मैं नमन करता हूं। हिंदू बता दिया अभी इसमें चढ़ पहुंचे हिंदू बता दिया, लेकिन फिर भी उस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। और जो बंधन है ये पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य एजेंडा क्या पार्टी का? मुख्य एजेंडा क्या है? शोषण से मुक्ति चाहती है परिवर्तन समाज पार्टी।
का मुख्य एजेंडा है, देश की जो आर्थिक पॉलिसी में बदलाव किया गया है ये देश के हित में नहीं है। आने वाले भविष्य में इससे देश कर्ज के कगार में डूबता जा रहा है। परिवर्तन समाज पार्टी इस एजेंडे के साथ काम करेगी कि देश को कर्ज से मुक्ति मिलनी चाहिए। कर्ज से देश को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? कर्ज से देश को मुक्ति मिलेगी जब प्रबंधन से आर्थिक पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। जो पॉलिसी कुछ उद्योगपतियों को प्रोपराइज कर रही है वो पॉलिसी जनता के हित में काम करनी चाहिए। आय के साधन जनता को पर्याप्त मिलने चाहिए जिससे कि इकोनॉमी डेवलप जल्दी विकास जो सुधार का नजरिया है वो ऊपर को जा रहा है नीचे को आ रहा है। परिवर्तन सोच में परिवर्तन
विचारों में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन। साथियों, परिवर्तन जब आपकी सोच पुराने ढंग से हमारी युक्तिवादी परंपरावादी सोच से हटकर अपने वास्तविक विकास और सम्मान की तरफ विचार सोच बदलेंगे, तो आपकी सोच जब बदलेगी, आपका नजरिया जब बदलेगा, तो आपके विचार भी बदल जाएंगे। आपका विचार जब बदल जाएंगे तो आपका चिंतन बढ़ जाएगा, भविष्य के लिए आप लोगों के एक मिशन के तौर पर, एक नेतृत्व के तौर पर जगह जगह हम ये प्रयास करते हैं कि लोग निकले, अपने अधिकारों को समझें और उसके लिए संघर्ष करें। साथियों, मेरा आत्मसत्ता पर पौधे के विचारों के अनुसार स्थापना दिवस पर मेरा कहना था कि पार्टी की पॉलिसी पर विचार होना चाहिए। पार्टी कैसे बढ़े, हम पार्टी को व्यवस्थित कैसे करें, पार्टी की नीतियों को कैसे ले जाए, उसका सबसे पहला ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी पदाधिकारी जो भी कार्यकर्ता है वो ये संकल्प ले कि हमें सदस्यता अभियान, जिस सदस्यता अभियान को बढ़ाए, घर घर जाए। अभी चंद्रका जी ने कहा, दुर्गा प्रसाद जी ने बताया आप लोगों को कि आप लोग लोगों से चुनिए। कार्यक्रम में सारे पदाधिकारी उन्होंने बड़ी मेहनत की, पूरी कार्यकारिणी ने काम किया, सबको मैं बधाई देता हूँ। और जो भी बाहर से अंचल से जो भी कार्यकर्ता कम से कम दो व्यक्ति को जोड़कर तीन व्यक्ति की का नाम क्षेत्रीय पदाधिकारी को जरूर दे, जिससे आपका संगठन, आपका कार्यक्रम अगली बार जिससे ठीक है, वह पार्टी पदाधिकारियों को बुलाए, राष्ट्रीय प्रदेश को बुलाए, जिले को बुलाए, वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और मेरा सारे पदाधिकारियों से भी कहना है कि संगठन को बढ़ाने के लिए, जनता में संघर्ष को आगे ले जाने के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सड़कों पर जरूर उतरिएगा। बगल देखिए, जो दिखेगा वही बिचेगा। लोगों के लिए संघर्ष, लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए धरना और प्रदर्शन इस बैनर से करिएगा। इसी परिवर्तन से अपनी आवाज परिवर्तन की
100 से ऊपर नहीं होती, 1 से 100 तक गिनती से ही लाख और करोड़ों की गिनतियां बनती है। आज हमारी संख्या अगर 1 है तो उस 1 को 100 से अलग कर लो तो वो 100 नहीं होंगे, गिनती से नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है, इस 100 के आंकड़े को 100 नहीं होने देना है। आप लोग अपने वोट को इस 100 की गिनती से निकाल के पत्र सचिव गिनती में डालिए। आपकी गिनती जब उनकी गिनती कम होगी वैसे ही आपकी सुरक्षा और सम्मान की बढ़ोतरी होगी। इस वोट को रोकिएगा। जो आप 70-75 साल से फ्री में देते चले जा रहे हैं, इस वोट को अपने लिए उपयोग करिए। परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन के विचार आगे ले जाइएगा और अपने वोट को परिवर्तन की पेटी में डालें। साथियों, यही आपका भविष्य निर्माता है। मेरे साथ अभी बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कई बार सुनना भी पड़ता है, आर्थिक परेशानी बिल्कुल है। इसका प्रारंभिक तौर पर सारे संगठनों को आर्थिक परेशानी आती है, लेकिन वो